हेलो, कौन? मैं माता क्यों लूं? ए रजुआ साले, मम्मी को फोन दे। बहुत मस्ती कर रहा है। हाँ, मम्मी को फोन दे। हेलो। हाँ जान, हमने तुम्हारे लिए अब भी एक शायरी लिखी है, सुना दे। हाँ। ए मेरी जान, जिस गली में तू रहती है उस गली से तो मेरा रोज का आना जाना है। जिस गली में तू रहती है उस गली से तो मेरा रोज का आना जाना है, और रोज मुझे देख के तेरा बाप कहता है। ये कोई लंडी गाना है? स्वागत है दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? तो यार, तुम्हारा भाई वापस आ चुका है नई वीडियो लेकर के। तो यार, सबसे पहले तो अपने कानों में चुभने वाले ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि आप सब भी जानते हो कि मेरी वीडियो देखने के लिए ईयरफोन्स कितने जरूरी है। उतने ही जरूरी है जितने की हुदाई के लिए प्रोटेक्शन जरूरी होता है। और यार, चिल्ला रहा है देश का कोना कोना कि यार चारों तरफ चल रहा है बाबू सोना का रंडी रोना, लेकिन यार अपने को क्या करना, अपनी जिंदगी तो यूं ही चल रही है झमाझम। चलो फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ऐसी क्या चीज है जो आधा जाता है तो दर्द होता है, पूरा जाता है तो मजा आता है? ओ वाह भाई वाह, पहला ही सवाल क्या पूछा यार। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन ना अपनी अपनी डायरी उठा के लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना यूपीएससी एग्जाम के पेपर में आने वाला है। बहुत सही, लौंडे भोसड़ी के ऐसे ही पूछता रहे सवाल, तेरी वजह से ना मैं टॉप कर जाऊंगा। बिल्कुल सही पूछ रहा है तू। आधा जाता है तो दर्द होता है, पूरा जाता है तो मजा आता है। वही वही चीज है। क्या चीज है? वही जो सबके पास होती है। हाँ वही जो सबके पास तो होता है, लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास है ही नहीं। और यार खैर, ये सब भी छोड़ो, सब कहते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल, बहुत बिजी जमाना। अरे क्या घंटा बिजी जमाना है, देख रहे हो, जिसको देखो वही ऐसे चुतियाप इंटरव्यू देने लग जाता है, रास्ते पे खड़ा होकर घर पे बोल के आते कोचिंग जा रहे क्लास जा रहे। अरे घंटा, सही में देश तरक्की कर रहा है? बेरोजगारी तो बढ़नी है भैया इस तरह से। फिर ऐसा क्या है जो दिन से अच्छा रात में लेने में मजा आता है? दिन से अच्छा रात में लेने में मजा आता है। क्या? और एक और खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया इस अश्लील भड़वे रिपोर्टर के द्वारा। मतलब एक के बाद एक अश्लीलता की हदें पार कर रहा है ये लौंडा। खैर ये सब भी छोड़ो, इस वीडियो में जो ये भाई साहब दिख रहे हैं ना, इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, मैंने सुना है कि आप सबका लेते रहते हो मुंह में, तो आपको दिन में ज्यादा मजा आता है लेने में या रात में? दिन से अच्छा रात में लेने में मजा आता है। तो दोस्तों, इसने साफ साफ कह दिया कि इसको दिन से ज्यादा रात में लेने में मजा आता है। खैर इसको लेने दो, अपन आगे बढ़ते हैं। तो यार दोस्तों, हर माँ बाप का ना एक सपना होता है कि उनका बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, कभी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ ना कुछ बने जिंदगी में। लेकिन यार वही लौंडा ना आजकल टिकटॉक पे क्या कर रहा है ये देखो जरा। दोस्तों वैसे तो लोगों का दिल टूटता है, लेकिन इस भाई की शक्ल के एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके नुन्नू पे तो पक्का लाल चीटी ने काटा है। खैर ये सब भी छोड़ो, मैं आपको बता दूं कि ये और कोई नहीं, मेरा खुद का भाई है सग्गा। तो यार इसका मैंने बिना बताए रोस्ट कर दिया, आप पता नहीं ये मेरा क्या करेगा। खैर ये सब छोड़ो, अपन आगे बढ़ते हैं। तो यार दोस्तों, तीन तरह के ऊंचे गाने वाले सिंगर होते हैं, एक अरिजीत भैया, फिर आते हैं राहत फतेह अली खान साहब, उसके बाद सबसे ऊंचे गाने वाले होते हैं ये लोग। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, कौन देगा तसल्ली, कौन देगा? कोई नहीं, इस दुनिया में नहीं है, बुलिया भी नहीं है, कोई नहीं है, बड़ा बुलिया। ओ वाह भाई वाह, क्या गाया यार लौंडे ने, मतलब कतई कान के पर्दे ही फाड़ दिए यार। और यार दोस्तों, ये मुझे लगता है कि शायद दिया नाग का बड़ा भाई है ये। दिया नाग वही जो टिकटॉक पे गला फाड़ फाड़ के सबकी गांड फाड़ देती थी। और यार अन्नू जी, आज तो आपको कहना पड़ेगा कि आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, मतलब लौंडे ने कतई आग ही लगा दी। तो यार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंडियन आइडल के फनी ऑडिशंस का पूरा एक कंप्लीट रोस्ट करूं, तो उसके लिए कमेंट करके बता देना। और यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई को आगे बढ़ाओ। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।